आपने नाम सुना होगा कलयुग का श्रवण, 121 किलो वजन माता पिता को कंधे पे बैठ के यात्रा कर रही है। और हम हमारे अंदर ऊर्जा जगाने के लिए मैं एक मिनट का समय मोहनदाजी बाप जी को दे रहा हूं, इनको सुनना बड़ा आनंद आएगा। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके बोल श्री गौ माते की। राजसमंद जिले के अंदर एक मिनट का समय मैं संतों को दे रहा हूं। हेलो, बोल श्री गौ माते की। अपने अपने मात पिता गुरुदेव की आज बहुत खुशी हुई कि गौ माता के प्रति आप सब इतने रात तक जाग रहे हैं। एक राजसमंद जिले में मैंने भी कसम खाई है गौ माता के लिए। 21 साल की यात्रा है मेरी पूरे राजसमंद जिले में, एक ही लक्ष्य, गाय बचाओ, देश बचाओ। गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। हम सब गौ का माता मानते हैं नहीं मानते हैं, लेकिन आज हमारी गौ माता बहुत दुखी है। एक मंदिर बनाने में करोड़ रुपए खर्च करते हैं, उसके अंदर खाली एक भगवान बैठते हैं, और जो 33 करोड़ देवता बेदम है वो भगवान हमारे रोड पे है। सही है कि नहीं? जो भगवान चारा खाते हैं, जो घास खाते हैं, उनको कोई खिलाने वाला नहीं है, और जो भगवान नहीं खाते हैं उनको जबरदस्ती के लिए खाओ 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 खाओ, मालूम है कि वो नहीं खाने वाले, हम खाने वाले हैं। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ कहता हूँ, गाय वो गाय है जिसके अंदर 33 करोड़ देवता भगवान है। मैंने लक्ष्य लिया है कि राजसमंद जिले में 21 साल के अंदर रात को 9 बजे के बाद कोई भी गौ माता रास्ते पे नहीं रहेगी, रोड पे नहीं रहेगी। हर गौ माता को उठा के एक आश्रम आएगा, और राजसमंद जिले के अंदर 21 साल के अंदर 100 करोड़ रुपए की मेरी सोच है, 100 करोड़ रुपए इकट्ठा करके एक भी गौ माता रात को रोड पे नहीं रहेगी, एक भी गौ माता। ये हमारा लक्ष्य है। मैंने परिवार घर बार सब छोड़ के गौ माता के चरणों में आया हूँ। 21 साल की मेरी यात्रा है, 3 साल हो गए हैं, और एक आदमी ने मुझे 20 बीघा जमीन दान दी है, वहां मैंने आश्रम बनाया है। 20 बीघा जमीन में आज 15 लाख रुपए लगाए हैं, और वो 15 लाख रुपया किसी से रोड पे नहीं मांगा है। इस मंच के माध्यम से मैं भैरू जी बनता हूँ। आज 180 किलोमीटर दूर से आया हूँ, 180 किलोमीटर दूर से आया हूँ, 4 व्हीलर लेके आया हूँ, खाली गौ माता के लिए आया हूँ। आज इस गांव में जहाँ भी जाता हूँ मैं उस मंच माध्यम में 2000, 5000, 10000, 20000, 50000 रुपया गौ माता के लिए सुनी। गौ माता आज 50 से 60 गौ माता हमारे आश्रम में है, जो गांवों गांव से उठा के लेके आते हैं। आज ये मैंने भैरू जी की झांकी दी है खाली गौ माता के लिए। मैंने आज से 14 साल पहले 2010 में, आपने नाम सुना होगा कलयुग का श्रवण, 121 किलो वजन माता पिता को कंधे पे बैठ के यात्रा कराई है। माता पिता को कंधे पे बैठ के यात्रा करिए। गांव दानी से 4 बुजा और बाबा रामदेव रणुजा, बोलो बाबा रामदेव भगवान की। आज से 14 साल पहला वो फोटो मैं लेके आया हूँ, आपको दिखाऊंगा। माता पिता को कावड़ में बैठ के यात्रा कराइए, वो कावड़ यात्रा। और आप सबका सहयोग चाहता हूँ, आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। मैं इतना दूर से आया हूँ, 170 किलोमीटर दूर, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। यहाँ मुझे कोई नहीं जानते, लेकिन गौ माता को सब जानते हैं। विक्रम भाई के लिए जोरदार ताली बजाइए। इन्होंने कम से कम मुझे 1 से 2 लाख रुपए दिलवाए हैं, मारवाड़ मारवाड़ से बुला बुला के, इस गांव से 10000, 15000, 20000। आज इस गांव में पहले बार आया हूँ मैं, आज झोली फेराऊंगा गौ माता के लिए, भीख मांग रहा हूँ आपको। वो भजन गाएंगे, उसमें आपके बीच में भगवान चादर बिछाऊंगा, आपकी इच्छा अनुसार 1 रुपया 2 रुपया, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। 1 रुपया 2 रुपया वहां बिछाऊंगा, और आप सबका भजन चलता रहेगा, समय भी खोटी नहीं होगा, और उसी भजन में आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगा। बोल श्री गौ माता की जय हो, धन्यवाद। हेलो, क्या बात, लो भाई साहब, बाप जी देखो ये शुरुआत यहाँ से करती है, क्या बात है। क्या नाम है आपका? ओहो, सैनी साहब, सुभाष चंद जी सैनी साहब की तरफ से आपने शुरुआत कर दी। सैनी साहब 2100 रुपए की सहयोग राशि, जयपुर के हो क्या? अरे वह जुजनू वाले हैं, तालियां बजाओ भाई जोरदार। आप में से दो कार्यकर्ता भाई साहब झोली लेके घूम जाइए, बराबर। मैं सावित्री बहन धर्मा जी माली नेहरू नगर से हमारे बीच पधारी हुई है, सीता जी कुमावत और प्रियंका जी रावल स्वागत बहुमान करके, बराबर है ना। सावित्री बहन कहाँ बैठे हुए हैं, एक बार आ जाइए ऊपर। प्रियंका जी आप और हमारे बीच सीता जी कुमावत देसी भजनों के एक बहुत होनहार कलाकार हैं, मैं आपका सम्मान पधारो आप दोनों। प्रियंका दीदी आ जाइए और सीता जी आप पधारे, सावित्री बहन का सम्मान करवा रहे हैं।
देखिए ऑनलाइन इसको आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। हाँ युगर बाप जी आप बीच में आगे से चले जाओ। हाँ आगे पोपट भाई ये झोली लेके पता रहो आप। बिल्कुल हाँ अर्जुन साहब हमारे हैं। अर्जुन साहब आप और पोपट जी दोनों साथ में मेल कर रहे हैं। ये देखिए मातृशक्ति सावित्री बहन धर्माजी माली नेहरू नगर से हमारे बीच पधारी हुई हैं। चलिए मैं सीता जी को मां से निवेदन करता हूँ बहुमान तो होता रहेगा साथ में आप अपने भजनों का गान भी करते रहें। हमारे बीच राजस्थान के मशहूर एक्टर अभिनेता श्री रामू भाई डीशा का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। स्थानीय बहुत सारे कलाकार भी यहाँ पर आए हुए हैं उन सभी का भी अभिनंदन करता हूँ। चलिए सीता जी को मां से आग्रह रहेगा भक्ति को आगे बढ़ाएं।